अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। आज मैं आपको होममेड टोमेटो केचप बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि आपको पता है आजकल टमाटर का सीज़न चल रहा है, तो सीज़न में हर चीज़ सस्ती और अच्छी मिल जाती है। तो टोमेटो केचप बनाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि टमाटर बड़े और लाल होने चाहिए। छोटे जो टमाटर होते हैं वो ज़्यादा जूसी नहीं होते, जिससे केचप अच्छा नहीं बनता। अगर इससे भी बड़े टमाटर है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे छोटे टमाटर नहीं होने चाहिए। अब हम सभी टमाटर को बीच में तोड़ते जाएंगे, दो हिस्से करते जाएंगे और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये निकालते जाएंगे और इसे एक बाउल में रखते जाएंगे। इसी तरह मैं आपको सारा तोड़ के दिखाऊंगी। सभी टमाटर मैंने अच्छे से काट दिए हैं। ये मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हो। तो इस तरह मैं ये सभी एक एक करके कुकर में रखती जाऊंगी। इसकी जो छिलकों वाली साइड है वो हम नीचे रखेंगे और ये जो साइड है ये ऊपर रखेंगे। इसी तरह मैं सारे टमाटर एक दूसरे के ऊपर रखती जाऊंगी। टमाटर सभी मैंने रख दिए हैं। इसका जो टमाटर का पानी है इसमें मैं यही डालूंगी, इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। अगर आप इसे नॉर्मल पैन में पकाएंगे तो 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, लेकिन कुकर में इसे 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर को 10 मिनट तक हमने अच्छे से पका लिया है। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। ये सारा टमाटर का अपना पानी है, टमाटर में इतना पानी रहना चाहिए। अब हम इसे ठंडा करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं। यहाँ मैं इससे मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं तो आप इससे भी मैश कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर उससे क्या होगा, इसकी बीज और छिलके स्पेस के साथ पिस जाएंगे और फिर अलग छानते वक्त अलग करने में बहुत मुश्किल होगी। तो मैं इसको इससे अच्छे से मैश कर लूँगी। जिस पैन में हम केचप को दोबारा पकाएंगे वो पैन लिया है मैंने, और इस तरह की एक छन्नी ली है जिसमें हम इसे छान लेंगे। अगर आपके पास ये छन्नी नहीं है तो आप कोई भी नेट का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके टमाटर डालती जाऊंगी। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और मैं इसे हाथ की मदद से छान रही हूँ। आप इसे चम्मच की मदद से भी छान सकते हैं। मैंने अच्छे से छान लिया है इसे। आप देख सकते हैं इसकी बीज और इसके छिलके रह गए हैं, बाकी सारा पेस्ट निकल चुका है। इसी तरह मैं आपको सारा केचप छान के दिखाती हूँ। टमाटर को मैं अच्छे से छान चुकी हूँ। इसे मैंने दो बार छाना है। पहली बार छानने में जो टमाटर को मैं अच्छे से छान चुकी हूँ। अगर आपको लगे कि टमाटर के साथ कोई बीज या इसका छिलका निकल गया है तो आप इसे दोबारा छान लीजिएगा। अब मैं इसे चढ़ा दूंगी। मसालों में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, 2 टीस्पून मैंने विनेगर लिया है यहाँ पर, और 1 पिंच मैंने अदरक का लिया है, 2 हरी इलायची ली है और 1 छोटा सा पीस अदरक का लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ली है 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 चुटकी। सबसे पहले आप कोई भी साफ कॉटन का कपड़ा ले लें और इसमें ये हरी इलायची, ये दालचीनी और अदरक लगते हैं। आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ लौंग नहीं डाल रही, और इसे अच्छे से बांध लीजिएगा ताकि ये खुले ना। यहाँ इसे मैं केचप में डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। चीनी, नमक,
नमक मिर्च आप अपने हिसाब के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ मेरा केचप कम है तो मैं कम मसाले यूज कर रही हूँ। काला नमक, विनेगर। विनेगर डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और इसे स्टोर करने में बहुत मदद मिलती है। बिना विनेगर के आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और विनेगर के साथ आप इसे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। केचप पक चुका है, आप देख सकते हैं ये यहाँ तक था और ये बिल्कुल अब इसका आधा हो गया है। जब ये इस तरह से उबलने लगे तो आप समझ जाइएगा केचप तैयार हो गया है। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। केचप अच्छे से ठंडा हो गया है। अब जो इसमें हमने मसाला डाला था कपड़े में वो निकाल देंगे। और साथ ही मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इस बाउल में। बहुत ही मज़ेदार और आसान होममेड टमेटो केचप तैयार हो गया है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बाहर के मुकाबले ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और साफ़ केचप बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।